सर्वाइकल पेन के आज के इस दूसरे एपिसोड में हम एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, सर्वाइकल कॉलर। और साथ ही ये भी जानेंगे कि सर्वाइकल कॉलर का गर्दन के दर्द में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं डॉक्टर तारिक कमाल, फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है फिटनेस प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दो तरह के सर्वाइकल कॉलर को रिकमेंड करते हैं, एक हार्ड यानी रिजिड सर्वाइकल कॉलर, जो कि ज़्यादातर गर्दन की सीरियस प्रॉब्लम में रेकमेंड किया जाता है, जैसे कि गर्दन में कोई इंजरी हो गई हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर गर्दन की कोई सर्जरी हुई हो, तो उसके बाद हार्ड सर्वाइकल कॉलर दिया जाता है आपको यूज़ करने के लिए, ताकि आपकी गर्दन स्थिर रहे, इमोबिलाइज रहे, ताकि आपकी हीलिंग अच्छे से हो सके, हीलिंग के अंदर किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो। दूसरा सर्वाइकल कॉलर होता है सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर। ये एक सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल का बना होता है, ताकि आपको पहनने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये ज़्यादातर सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन की अलग अलग कंडीशन में आपको रेकमेंड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर के बारे में बात करेंगे, इसके इफेक्ट, इसके यूजेस और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इस सिलसिले में एक बात बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर आपको टेम्परेरी यूज़ के लिए पहनना है, बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको नहीं पहनना होता है। ये गर्दन के दर्द का इलाज नहीं है, बल्कि गर्दन के दर्द को कम करने के लिए, गर्दन की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए शुरुआती कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, ताकि आपको पेन में रिलीफ मिले और आपकी हीलिंग अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर गर्दन के दर्द की किन किन कंडीशन में आपको पहनना चाहिए और किस तरह से उन कंडीशन में ये फ़ायदा करता है। एक्यूट पेन यानी गर्दन के दर्द की स्टार्टिंग फेज़ में जब पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो कुछ दिनों के लिए सर्वाइकल कॉलर रेकमेंड किया जाता है, जो गर्दन के एक्स्ट्रा मूवमेंट को लिमिट करके और गर्दन पर आने वाले बाहरी फोर्सेस और झटकों से गर्दन को प्रोटेक्ट करके पेन के लेवल को कम करता है। सर्वाइकल स्प्रेन यानी कि गर्दन के लिगामेंट की इंजरी में भी सर्वाइकल कॉलर रिकमेंड किया जाता है, जो सर्वाइकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है और हीलिंग तेज़ होती है। जब गर्दन के स्पाइन के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस यानी टूटने फूटने या घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है और स्पाइन की स्टेबिलिटी कमज़ोर पड़ने लगती है, तो स्पाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए, डिस्क पर प्रेशर कम करने के लिए, स्पाइन की कंडीशन को और ख़राब होने से बचाने के लिए सर्वाइकल कॉलर रिकमेंड किया जाता है, ख़ास तौर से तब जब हम घर से बाहर निकलते हों। गर्दन के अंदर अगर कहीं नस दब रही है यानी नर्व कंप्रेस हो रही है, तो ऐसे में सर्वाइकल कॉलर यूज़ करने के लिए बताया जाता है। यह गर्दन की मूवमेंट को कंट्रोल करके नर्व के ऊपर पड़ने वाले एक्स्ट्रा प्रेशर को कम करता है, जिससे हमें नर्व कंप्रेस होने के सिम्टम्स में आराम मिलता है। गर्दन को गलत पोस्चर में रख के जब काम करने की आदत होती है, तो गर्दन के इस रॉन्ग पोस्चर को करेक्ट करने के लिए भी सर्वाइकल कॉलर यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ 5 से 10 दिनों तक ही किया जाना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करने से इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, आइए देखते हैं। नेक की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, नेक की मसल कम यूज़ होने की वजह से धीरे धीरे मसल वीक हो जाती हैं। चूँकि ये पहनने से कंफर्ट मिलता है, इस वजह से हम इसके आदि हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर आपको किस तरह से पहनना है और कैसे लगा के रखना है। ये जो गोलाकार एरिया है, ये आपके चिन के नीचे आएगा। इस तरह से आप पीछे इसको बांध देंगे। एक बात का ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि आपको इसको इस तरह से बांधना है कि आपकी गर्दन की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल में रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे बेंड भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गर्दन में एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस यानी टूटने फूटने और घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई हो, तो गर्दन को पीछे बेंड करके रखने से इन हड्डियों पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी और बहुत ज़्यादा आगे झुकी भी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हम गर्दन को जितना ज़्यादा आगे झुका कर रखेंगे, तो हमारी सर्वाइकल मसल्स के ऊपर लोड और स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, सर्वाइकल पेन की सीरीज़ में आज जो सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर के बारे में आपने जो वीडियो देखी, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।